सेंटर के लिए बेड पंखों के दाम से ज्यादा किराया। एमसी ने बिना टेंडर निकाले दिया रियल्टी फॉर्म का ठेका। एमसी ने ठेकेदार को किया ज्यादा पेमेंट। हम बता रहे हैं गोरेगांव में बने कोविड केयर सेंटर में हुए भ्रष्टाचार के बारे में। वैसे तो सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार की खबरें चौंकाती नहीं है, मगर जब कोविड 19 को लेकर चल रहे कामों से भ्रष्टाचार की खबरें आए तो थोड़ी हैरानी होती है। मुंबई बीएमसी में बॉडी बैग के बाद एक बार फिर ऑक्सीजन सिलेंडर, पंखे, बल्ब जैसी चीजें कॉन्ट्रैक्टर को ऐसे दामों पर किराए पर लेने का मामला सामने आया है कि इन चीजों की किराए इनके दामों से कई गुना ज्यादा है। बीएमसी ने 90 दिनों के लिए 2000 पंखों का किराया 1,80,00,000 का पेमेंट किया है। देखा जाए तो इन 2000 पंखों की बाजार में कीमत सिर्फ 70,00,000 है, मगर बीएमसी ने इन पंखों का किराया 1,80,00,000 दिया है, यानी पूरे 1,10,00,000 कॉन्ट्रैक्टर को ज्यादा दिया गया है। वहीं 90 दिनों के लिए 80 सीसीटीवी कैमरे का किराया 56,60,000 दिया गया है। इन 80 सीसीटीवी की बाजार में कीमत 8,00,000 रुपए है। 340 बल्ब का 90 दिनों का किराया 69,20,000 दिया गया है, जबकि इन 340 बल्ब की बाजार में कीमत 5,10,000 है। इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के एमएलए रईस शेख ने क्या कहा है, आप सुनिए। रोमिल, जिस कंपनी ने ये फ्रॉड किया है, ये सबको इमीडिएटली आपको एक्शन लेना चाहिए, मैं तो कहूंगा अरेस्ट करना चाहिए, बिकॉज इट इज अ सेक्शन 53 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इमीडिएट एक्शन हो सकता है। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।